Hello students, how are you all? So in today's video we are going to see a compilation of some of the activities. So first of all we will make my green book. So let's start. So children, सबसे पहले हम बनाएंगे my green butterfly. तो my green butterfly बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ leaves. उसके बाद हम लोग लेंगे एक ब्लैक मार्कर एंड वन फेविकोल. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. सो सबसे पहले हमने एक लॉन्ग लीफ लेना है और उसे पेपर पे पेस्ट कर देना है. वेरी गुड. उसके बाद हम बाकी के लीव्स लेंगे और उन लीव्स को बटरफ्लाई के विंग्स बनाते हुए पेस्ट कर देंगे. सो इस तरह से हम फोर लीव्स को पेस्ट कर देंगे. वेरी नाइस. अब हम चिल्ड्रन ब्लैक मार्कर की हेल्प से बटरफ्लाई की आईज और उसके दो एंटीनास भी बनाएंगे. सो माय ग्रीन बटरफ्लाई इज रेडी. नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ वी विल मेक माय ग्रीन ट्री. एंड फॉर मेकिंग माय ग्रीन ट्री वी नीड सम लीव्स, ब्लैक मार्कर and fevicol. So let's start. So children, सबसे पहले हम tree का एक drawing बनाएंगे. So parents are requested to help the children in making the outlines of the tree. Okay, so now the next step is कि हमने जितने भी leaves collect किए थे उन सबको हम fevicol के साथ paper के ऊपर paste कर देंगे. सो जस्ट डू लाइक द वे आई एम डूइंग इन द वीडियो. तो ट्री के पूरे टॉप मोस्ट पार्ट पे हम जितने भी लीव्स हैं सबको स्प्रेड करके पेस्ट कर देंगे सो दैट वो प्रॉपर ट्री का स्ट्रक्चर लगे. आप इसके लिए कुछ ग्रीन लीव्स और कुछ फ्रेश और ड्राई लीव्स भी ले सकते हो सो दैट ट्री बिल्कुल ओरिजिनल लगे. Okay children, so my green tree is also ready. Well done. So now we will do our next activity and we will make my green fish. And for that we need 3 leaves, 1 black marker and 1 fevicol. So children, let's start. सबसे पहले आप leaves को fevicol से paper के ऊपर paste कर देंगे. Yes. और उसके बाद चिल्ड्रन उसी तरह से हम बाकी के लीव्स को भी पेपर के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन में पेस्ट कर देंगे. नाउ वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फिश यूजिंग द ब्लैक मार्कर. ब्लैक मार्कर की हेल्प से फिश का बाकी का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे. सो चिल्ड्रन प्लीज मेक आईज एंड द बबल्स द फिशेस मेक इन द वॉटर. Okay children, so my green fish is ready. Okay, now we are going to do our next exercise. We are going to make my green bird. We need some leaves, fevicol and black marker. So let's start. So children, सबसे पहले हम उस leaf को दो portion में से एक portion में थोड़ा सा slightly cut करेंगे. Okay children? जिस तरह से मैंने वीडियो में उस लीव को हल्का सा कट किया है उस तरह से हमने लीव को हैंड से ही कट करना है. ओके चिल्ड्रन. ओके, सो उसके बाद हम लीव को फेविकोल से पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे. सो चिल्ड्रन आप इस तरह से बर्ड्स को अलग अलग डायरेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं. वेल डन. अब हम ब्लैक मार्कर की हेल्प से बर्ड की आईज और उसके दो पैरों को मार्क करेंगे. तो आपने जस्ट एल बनाना है. वी लाइक टू डू इन इंग्लिश अल्फाबेट एल. इस तरह से हमारे बर्ड्स भी रेडी हो जाएंगे. सो माय ग्रीन बर्ड इज आल्सो रेडी. तो चिल्ड्रन आप इन सभी पेजेस को कंपाइल करके बनाएंगे माय ग्रीन बुक. तो हम देखेंगे हमारी माय ग्रीन बुक में क्या क्या है. My green butterfly,
Next is my green tree. Next is my green fish. Next is my green bird. तो इस तरह से हम आज हमने बनाई my green book. Hope you enjoyed. Okay children, अभी हमारी next activity है vegetable printing और हम बनाएंगे एक flower bouquet. उसके लिए हमें चाहिए एक onion, एक sketch और कुछ color. So let's start. सबसे पहले children हम onion को इस तरह से cut करेंगे और जिस प्लेट में हमने कलर स्प्रेड किया है उसमें हम अनियन को डिप करेंगे. वेरी गुड. अब हम इस कलर के साथ अनियन को पेपर के ऊपर पेस्ट करेंगे और वो कुछ एक मार्क छोड़ देगा. वेरी गुड. तो इसी तरह से हम लोग अनियन को अलग अलग जगह के ऊपर ड्रॉप करेंगे और वो अपने जितने भी मार्क्स बनाएगा उन सब को हम लोग ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे. You just have to do the way I am doing in the video. Very good children. तो आप जितने मर्जी फ्लावर के patches इस तरह से onion के print के साथ बना सकते हैं. Very good children. Okay, अब ये dry हो चुके हैं तो हम इनके ऊपर sketch के साथ थोड़ा सा coloring करेंगे. Okay. So now we will make the stem of these flowers. तो इस तरह से हम फ्लावर की प्रॉपर ग्रीन कलर से स्टेम्स बनाएंगे और आप चाहो तो छोटे छोटे लीव्स भी बना सकते हो. So children, हमारा फ्लावर बुके is ready. Children, तो अब हम करेंगे हमारा थ्रेड प्रिंटिंग. उसके लिए children हमें चाहिए एक थ्रेड और कलर. So सबसे पहले हम थ्रेड को कलर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे. कलर को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे थ्रेड के साथ और फिर उसके बाद चिल्ड्रन हम इसे बहुत केयरफुली उठाएंगे और जिस कार्ड के या पेपर के अंदर हमने इसे प्रिंट करना है हम उसके ऊपर इस थ्रेड को अच्छे से स्प्रेड करके प्लेस कर देंगे. वेरी गुड. तो आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जिस तरह से मैं वीडियो में कर रही हूँ. अब हम इस पेपर को क्लोज करेंगे. उसके बाद बच्चों जो थ्रेड हमने थोड़ा सा कार्ड के बाहर निकाला हुआ था हम उसे धीरे धीरे बाहर पुल करेंगे. बी केयरफुल जब आप थ्रेड को पुल करेंगे. ओके वेरी गुड. अब हम कार्ड को ओपन करके देखेंगे और कार्ड में हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बन जाएगा. So children, I hope you enjoyed this act.